लर्नर लाइसेंस बनाने के एक महीने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ अपना लर्नर लाइसेंस नंबर फिल करते हैं, तो आपको लर्नर लाइसेंस नंबर इनवैलिड बता रहा है या शो कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप ड्राइवर लर्नर लाइसेंस इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ से सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी स्टेट है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। चलिए हम यहाँ अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इसके ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना लर्नर लाइसेंस नंबर फिल करेंगे, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप खुल के आता है, जिसमें बता रहा है आपको इनवैलिड लर्नर लाइसेंस नंबर और लेगेसी डाटा, दोनों में से कुछ भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर यहीं ला करके छोड़ेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लर्नर लाइसेंस का अपना स्टेटस ट्रैक करना है कि आपका लर्नर लाइसेंस कैसा है। सबसे पहले आप इसका यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, लर्नर लाइसेंस का पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जो लर्नर लाइसेंस दिया गया है इसको आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे और इसको उठा करके जाके वहाँ आपको पेस्ट करना है। वहाँ फिल करने के बजाय आप इसको इस तरह ले करके वहाँ पेस्ट कीजिए। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो फिर से हम इस पेज में आएंगे, उसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ जो लर्नर लाइसेंस नंबर मांग रहा है, हम अगर फिल करते हैं कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो ये इनवैलिड बता रहा है। तो उसके लिए जो हम यहाँ स्टेटस ट्रैक जो किए इसको यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह ले आकर के यहाँ लाएंगे घिंच के और यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ सिर्फ फिल करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस अपने हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ फॉर्म खुल जाएगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कीजिएगा तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। आपको यहाँ कीबोर्ड से टाइप नहीं करना है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।